अब हम आपको एटो सिग्नल के बारे में बताते हैं। ये एडवांस स्टार्टर है, इस स्टेशन का आखिरी स्टॉप सिग्नल। इसके बाद से जो ब्लॉक सेक्शन स्टार्ट होता है, ये अगले स्टेशन तक का एरिया है। और ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी ये जो सिग्नल आप देख पा रहे हैं, ये सभी एटो सिग्नल हैं। इसकी वजह से ये ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है। यहाँ पर हमें गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में एंटर करने के लिए अगले स्टेशन से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसा कि आप इधर सभी सिग्नल्स को देख रहे हैं, ये सभी सिग्नल रेड एस्पेक्ट में दिखाई दे रहे हैं। इनका नॉर्मल जो एस्पेक्ट है, नॉर्मली ये जो एस्पेक्ट अपना शो करते हैं, ये रेड एस्पेक्ट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन में जो एटो सिग्नल्स आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी ग्रीन एस्पेक्ट शो कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉक सेक्शन के अंदर में कोई भी ट्रेन अभी इस समय नहीं है। और इसका जो नॉर्मल एस्पेक्ट है, वो एटो सिग्नल का हमेशा ग्रीन रहता है। इसमें फोर एस्पेक्ट हैं, ये जो सिग्नल टेरिटोरी है, ये फोर एस्पेक्ट सिग्नल टेरिटोरी है। इसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट है, ये यहाँ पर रेड कलर की एलईडी है। इसके बाद अगला जो एस्पेक्ट आता है, वो येलो कलर रहता है, सिंगल येलो। सिंगल येलो के बाद में नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है, ये ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली एलईडी भी येलो कलर की है। तो सबसे पहले रेड, रेड के बाद में सिंगल येलो, सिंगल येलो के बाद में डबल येलो, और उसके बाद में फिर ग्रीन एस्पेक्ट शो करता है। इसके बाद में हम आपको बहुत ही धीमी स्पीड से ट्रेन मूव करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बता दूं कि किस तरह से गाड़ी मूव होगी। जैसे ही ट्रेन इस सिग्नल को क्रॉस करेगी, ये सिग्नल रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद में यहाँ पर ये जो ओवरलैपिंग एरिया है, ये बर्थिंग ट्रैक था। बर्थिंग ट्रैक के बाद में ये ओवरलैप सेक्शन है। इसके बाद में इस सिग्नल का बर्थिंग ट्रैक ये है। इस सिग्नल का जो ओवरलैप ट्रैक है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट सिग्नल का जो बर्थिंग ट्रैक है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दिखाया गया है। इसका जो ओवरलैप है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब जो ट्रेन जब इस सिग्नल को क्रॉस करेगी, तो पहले ये सिग्नल ग्रीन से रेड जाएगा। रेड जाने के बाद में जब ट्रेन इस सिग्नल को भी क्रॉस कर चुकी होगी, उसके बाद में ये जो ओवरलैप सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ओवरलैपिंग एरिया, इसे भी क्रॉस करके आगे बढ़ चुकी होगी, तो ये वाला सिग्नल रेड से येलो आ जाएगा। ट्रेन आगे बढ़ते हुए जब इस सिग्नल को भी क्रॉस कर देगी, इसका ओवरलैप भी, ओवरलैप डिस्टेंस भी क्रॉस कर जाएगी, तो ये वाला सिग्नल येलो आ जाएगा। इसके येलो आने के बाद में ये डबल येलो आएगा। और उसके अगला जो थर्ड सिग्नल है, वो भी जब ओवरलैप के साथ में ट्रेन पार कर चुकी होगी, तो नेक्स्ट सिग्नल यहाँ पर ये येलो आएगा, ये डबल येलो आएगा, और ये ग्रीन आ जाएगा। तो जब भी ड्राइवर ग्रीन सिग्नल देखेगा, तो उसका मतलब ये है कि ड्राइवर समझ जाएगा कि उसके आगे के नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेक्शन, तीन सिग्नल के बीच की दूरी प्लस ओवरलैपिंग डिस्टेंस के साथ में पूरा का पूरा क्लियर है, जिससे कि उसे अगले तीन, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के बाद में अगला जो 120 मीटर का सिग्नल ओवरलैप है, वो भी क्लियर है। अब हम आपको धीरे धीरे ट्रेन के मूवमेंट के साथ में ये ऑपरेशन दिखाएंगे। जैसे इसने सिग्नल ने ये क्रॉस किया, सिग्नल रेड हुआ। रेड होने के बाद में अब जब इसे क्रॉस कर जाएगी, तब भी दोनों के दोनों सिग्नल रेड रहेंगे। यहाँ पर आप ट्रेन ओवरलैप सेक्शन को क्लियर कर चुकी है। यहाँ पर आप येलो सिग्नल देख रहे हैं। नेक्स्ट सिग्नल का भी सिग्नल ओवरलैपिंग सेक्शन क्लियर होते ही ये येलो आ गया। यहाँ पर डबल येलो है। जो आप लास्ट सिग्नल देख रहे हैं, वो भी, उसका भी ओवरलैपिंग सेक्शन क्लियर होने वाला है, और उसके साथ ही ये येलो आ गया। यहाँ पर डबल येलो है और ये ग्रीन है। इस प्रकार ऑटोमेटिक सेक्शन में ट्रेन हमेशा एक के बाद एक चलती जा सकती है। यहाँ पर एक और खास बात है कि इस ऑटो सिग्नल में
ट्रेन रेड सिग्नल को भी क्रॉस कर सकती है। ड्राइवर अगर देख लेता है, मान लीजिए ये सिग्नल रेड है और ड्राइवर आकर के यहाँ पर रुकेगा, 1 मिनट तक गाड़ी रोकेगा, 1 मिनट के बाद में जब वो आगे देख लेगा कि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं है, उस कंडीशन में वो स्लो स्पीड में, इतना स्लो कि कहीं पर भी अगर गाड़ी देखे तो इमिजिएटली ब्रेक अप्लाई करके नेक्स्ट ट्रेन से काफ़ी सेफ डिस्टेंस मार्जिन रखते हुए अपने आप को रोक पाने में सक्षम हो, इस स्लो स्पीड पर वो आगे बढ़ सकता है, यानी कि रेड सिग्नल को भी गाड़ी क्रॉस कर सकती है।